हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल रीड एयर ऑर्स एक्सपर्ट ट्रूथ ऑल एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरी एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ यूर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रैट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में जो आने वाला है ओके विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ अडन ऑल ऑफ अडन आपके जिंदगी में क्या हो सकता है सो so, इसके बारे में हम पूरी तरह से विश्लेषण देंगे डेफिनेटली आपके जो करंट सिचुएशन है वो भी हम देखेंगे सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट गाइस टाइमलेस है कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर बींग विवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा सो ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है लास्ट में हम देखेंगे रोलिंग क्यूब्स सो यूनिवर्स वाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी जिंदगी में ऑल ऑफ sudden क्या हो सकता है प्लीज़ बताएं यूनिवर्स ऑल ऑफ अ सडन उनके लाइफ में क्या हो सकता है प्लीज बताएं यूनिवर्स ओके We do have the broken heart with the nine of swords यहाँ पे है यहाँ पे है financial constraints क्यों इतना दुखी हो जाते हो आप लोग deceit यहाँ पे है all tied up we do have magician and the mirror यहाँ पे है हमारे पास 17 number the destiny card action बॉटम ऑफ द डेग हमारे पास है डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस ये तो वो नहीं था यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है Aquarius, Gemini, Libra, Kum, Mithun, Tula, यहां पे है वी डू हैव डू हैव एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे है वी डू हैव टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषो का नया मकर राशि यहाँ पे है वी डू स्कॉर्पियो उसके नीचे ही है बहुत सारे ढेर सारे ऑपरचुनिटीज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है या आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ हेल्प ऑफ द ब्यूटिफुल कार्ड्स की एक्चुअली मैं आपके लिए ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है ठीक है यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें आपके पास में अभी से बोलती हूँ दो रास्ते होंगे एक रास्ते जो है एक रास्ता जो है पूरी तरह से यहाँ पे लाइट होगा और उस रास्ते से अगर आप जाते हैं पूरी तरह से लाइट नहीं होगा पार्शियली लाइट होगा उस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो आप अपने पिछले जिंदगी या अपना पिछला आप खुद के ये जो करेंट आपकी लाइफ है राइट उससे जो पास्ट है उसकी जो गुत्थी है आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए आप फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं यह कंफर्मेशन है यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें सो so, यहां पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सेवन ऑफ रोजेस द जर्नी वी डू हैव सिक्स ऑफ रोजेस यहां पे है हमारे पास फोर ऑफ स्क्रोल्स We do have the Ascent 7. पे है ऑफ जो रास्ते मैंने बताया था यहाँ पे देखो वही आ रहा है दो रास्ते उनके लाइफ आपके लाइफ में होंगे जो बेसिकली एक रास्ता से आप जाओगे जो पार्शियली इल्यूमिनेटेड है ठीक है और इस रास्ते पर जाओगे तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है आपको वो दूसरा रास्ता का भी जो असली ठिकाना है वो आपको मिलेगा अगेन विद द सेवन ऑफ स्क्रोल्स ओके बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ द स्क्रोल्स एक्वेरे बहुत सारे लोग यहाँ पे जो काम करते हैं मुझे दिख रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है कि आप अभी काम करते हो या ऑब्वियसली आपकी जॉब या आपकी जो प्लेसमेंट है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर कंपनीज ही हो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है लाइक इट कैन हैपन लाइक दैट कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल मीडिया सोशल मीडिया द कंटेंट इज़ मोर ठीक है एज़ कंपेयर टू द प्रिंट मीडिया यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा होता है यहाँ पे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है मैं नहीं बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया में नहीं होता है नो इट्स नॉट लाइक दैट बट आप वो विद इन द फ्लिक ऑफ अ फिंगर ठीक है एंड डेफिनेटली आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो और वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से कहाँ लेके जा रही है और मुझे यहाँ पे इसी तरह से दिख रहा है आपकी हार्डवर्क ठीक है एक लगातार एक जंग के बाद एक जंग का मैदान है यहाँ पे आपके सामने और इस जंग में जीत किसकी हो रही है जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत है उसका नहीं है बट जीत उसकी हो रही है जहाँ पे उसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है विजडम है ठीक है इंटेलिजेंस तो है ही बट उसके साथ साथ उसको अप्लाई करने का ऑब्वियसली कैपेसिटी भी है सो so, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेसीज के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के बाद आपको वो चीज़ मिलने वाला है नाउ समवन हैज़ ब्रोकन योर हार्ट हैविली आई अंडरस्टैंड दैट द पेन इज स्टिल देयर ठीक है और वो जगह अभी भी दर्दनाक हादसा जो हुआ था आपके साथ या अभी तक भूल नहीं पाए हो उसको सफोकेशन हो रहा है कहीं ना कहीं काई पे आप ऐसा भी देख रहे हो कि करंट सिचुएशन में ठीक है आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी कई हद तक सही नहीं है ज्यादा मैं नहीं बोल रहा कि आप कमा नहीं पा रहे बट खर्चा ज्यादा हो रहा है इधर मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं या परचेज आप ज्यादा कर रहे हो या आपके ऊपर सबसे ज्यादा लोड है फैमिली का तो आपसे खर्चा करवाया जा रहा है लेकिन बाकी लोग ना ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए हैं दे आर नॉट स्पेंडिंग ठीक है बट आप आप ही को ना दे दे आर मेकिंग यू लाइक फुलर सो दे आर मेकिंग यू स्पेंड मोर मनी ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में भी कुछ इस तरह से हो रहा है कि दे आर नॉट पुटिंग एनी हार्ड वर्क और दे आर नॉट डेडिकेटेड और देर इज नो सिंसेरिटी लॉयल्टी तो दूर की बात है उनके अंदर है ही नहीं बट आपके अंदर है बट वो नहीं हो रहा है बट वो सिचुएशन क्या रहेगा नहीं रहेगा बिकॉज व मजिशियन अंडर आई कैन फाइंड लाइक एवरीथिंग विल बी री स्टोर प्रॉपरली जो भी हुआ था जैसे भी बैलेंस बिगड़ गया था ठीक है वो बैलेंस ऑटोमेटिकली रिस्टोर होगा कुछ लोगों के लिए पोर्टल्स जब ओपन होते हैं ना प्लीज़ वहाँ पे प्लीज़ मैनिफेस्ट करो कुछ लोगों के लिए आपके घर में ज़्यादा ही शीशे हैं मतलब दर्पण बहुत ज़्यादा है मिरर्स बहुत ज़्यादा है और मिरर ज़्यादा होने से क्या होता है जो आउटर वर्ल्ड है उससे आप ज़्यादा ही कनेक्ट करते हैं और वहां पर डार्क एनर्जीज भी आते हैं सो इट इज एडवाइजेबल टू पुट maximum वन और टू मिरर्स लाइक टू मिरर्स maximum ठीक है उससे ज़्यादा अगर आप करते हो एक ही घर में सबसे ज़्यादा करते हो सो so there विल बी द रिफ्लेक्शन यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे वो है आपके डेस्टिनी में obviously जो है कि आप कुछ चीज़ों को मतलब बहुत ही सीरियसली लेके ही काम कर रहे थे और वो चीज़ पूरी तरह से अभी समय आ रहा है कि जहाँ पे वो आप देखोगे कि वो फ्रूटफुल हो रहा है आपका मेहनत ऐसे ही पानी में नहीं जाएगा ऑल अ सडन जिनको आप जनरली फॉलो किया करते थे और वो असंतुष्ट हुआ करते थे वो इंसान जो है वो नहीं चाहते थे कि आप उनको बार बार तंग करें या आप उनको डिस्टर्ब करें और आप डिस्टर्ब तो नहीं करते थे बल्कि आप अपना जो है वार्म या लव या सिंसेरिटी या अप्रिसिएशन पाने के लिए आप अप्रिसिएशन पाने के लिए भी नहीं करते थे कहीं ना कहीं पे आप चाहते थे दैट शुड बी विध यू राइट यू लव्ड दैट पर्सन बट कहीं ना कहीं पे वो इंसान आपके जो है प्यार की जो है जैसे नाजायज फायदा उठाने की हंड्रेड टाइम्स कोशिश किया गया है बट दिस विल नॉट हैपन ऑल ऑफ अ सडन ट्विस्ट होगा यहाँ पे जो इंसान जिसके ऊपर आपने का मतलब अपने सोच ही लिया होगा अभी इन द प्रेजेंट सिचुएशन चलो अभी जाने दो लेट मी फोकस ऑन माई ओन वर्क एंड करियर एंड देन दिस पर्सन हैज स्टार्टेड फॉलोइंग यू ये हो सकता है कि दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू अगेन एंड अगेन आंटिल एंड एनलेस यू से यस और नो दे विल फॉलो यू एंड यू एंड यू एन यू ओनली बट आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बॉस आपके बॉस या मतलब सीनियर मैनेजमेंट से इस तरह से हो सकता है कि वहाँ से आपके लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन आए और उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपको तुरंत रिपोर्ट करना पड़े उनको हो सकता है वो डिफरेंट सिटी हो स्टेट हो या कंट्री भी हो सकता है वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना पड़े कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसा बोला जाता है ना कि जैसे कटाई होता है राइट और बेसिकली जैसा आप बोते हो वैसा ही आपको मिलता है राइट वट यू हैड सोन यू विल रीप सो अगर आपने ऑब्वियसली चेरी ब्लॉसम्स दिया है तो आपको मैंगोज नहीं मिल सकते राइट right? आपको चेरी ब्लॉसम से मिलेंगे चेरी मिलेगा आपको राइट right? उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो धीरे धीरे से ही होगा एट ऑल ऑफ सडन तो हो सकता है बट जो धीरे से होगा ना वो आप देखेंगे कि कब का वो एक इमारत में बदल गया जो इमारत एक समय पर हिस्ट्री हुआ करता था ठीक है आप जानते थे उसको मे बी यू नो दिस इवेंट्स इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट हिस्ट्री ये आपकी लाइफ की इमारत है जहाँ पे वो किसी की वजह से बिगड़ गया लेकिन आपने उसको धीरे धीरे समेटा है एंड ऑल ऑफ सडन यू विल रियलाइज दैट यू हैव डन और यू हैव गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस फील्ड्स यू हैव मेड इट हैपन आपने उसको बनाया है आपने जीता है यहाँ पे आई आई टोल्ड यू दैट द जर्नी विल बी सो स्मूथ फॉर यूर नाइट नाउ एंड यहाँ पे क्या है डोर टू तो पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जो भी आपने किया वो कहाँ पे इसका द्वार कहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ पे है वो है खुशियाओं की तरफ वो है हीलिंग की तरफ ठीक है वो है आपकी डेस्टिनी की तरफ जहाँ पे आपको पहुँचना है बिकॉज यू आर मेंट फॉर दैट यू आर मेंट फॉर हैप्पीनेस यू आर मेंट फॉर पीस यू आर मैंट फॉर लव एंड यू आर नॉट मेंट फॉर हेटरेड जो हैटरेड आपने सफ़र किया है जो लोग आपको ग्रुप में अलग किया करते थे मतलब ग्रुपिज्म किया करते थे आपके साथ नेपोटिज्म किया करते थे ऐसा आपको अलग मानते थे उनके ग्रुप में शामिल नहीं करते थे एंड देन यू विल सी समथिंग ओके विल बी सो मच ओके दैट ऑल ऑफ सडन इट विल हैपन दैट आप भी फील करेंगे कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ है और इसका जो काउंटिंग है ये बहुत पैलेस है स्टार्ट हो गया है सो so, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लाइफ में काउंटडाउन जो है अच्छे समय का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मे बी विल गेट रिजल्ट विद इन मे बी इट्स लाइक येस मे बी सिक्स टू सेवन डेज और सिक्स टू सेवन वीक्स ठीक है वो मैक्सिमम मैंने आपको ये कहा है जो जो आपने देखो जिसने भी आपके साथ वो फाइनेंशियली आपको अनस्टेबल किया है या आपको चीट किया है डिसीव किया है या अपने कमिटमेंट से मुकर गए जब उनका चीज जो भी था आपसे लेना देना वो सब लेके चले गए बट क्या रहा सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मेमोरीज रहा और वो मेमोरीज आपके मेमोरी कार्ड से बिल्कुल डिलीट होंगे एंड ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है कि इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली बी लाइक ऑल ऑफ अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप एक समय आ रहा है जहाँ पे आप पीछे मुड़कर और चीज को नहीं देखेंगे क्योंकि आपका मूवमेंट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट्स टूअर्स अ सन एंड नॉट टूअर्ड्स अ डार्कनेस सो इस तरह से मैं आपको बोलना चाहती थी उस तरह से मैं भी ये भी देख रही हूँ कि सिर्फ जैसे बोला जाता है ना आप बोल सकते कि मैम दो तीन साल से ऐसा हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप नहीं जानते कि एक दरवाज़ा जब बंद हो जाता है ना आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल भी जाते हैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ भी जाते हैं लेकिन शायद आप नहीं देख पा रहे हैं शायद आप जो है उसी पॉइंट पे स्टक है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था अगर आप उसी पॉइंट पे स्टक होंगे तो आप वापस से फिर से जीरो पे ही आ जाएंगे सो जस्ट एक्सपैंड योर थिंकिंग ठीक है यहाँ पे सिर्फ मुझे ये दिख नहीं रहा है कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं बट आप मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट हो रहे हो जैसे इस एस से इस कॉरिडोर से आप जा रहे हो मे बी यू आर टीचर मे बी यू पब्लिशर मे बी यू आर मे बी यू आर अ मार्केटर मे बी यू यू पब्लिश समथिंग आप पब्लिश करते हैं ठीक है या यू आर एन एडिटर जो भी है आप कोई भी ऐसा बिल्डिंग से तो अंदर से जा रहे हैं और कॉन्फिडेंट महसूस कर करें अपने फाइल्स आपके हाथ में है मैं उसी तरह से देख रही हूँ चाहे वो बिजनेस पर्सन हो चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो यू आर जस्ट वर्किंग through that place and you are feeling so much proud for yourself. या आप अपने family को treat देने वाले हैं एक अलीशान होटल में और आपको लगेगा कि पहले तो मैं इत, मेरा इतना ज़्यादा रोजगार नहीं था और आज के दिन में अपने parents को मैं आई एम रियली प्राउड दैट मेरे parents मेरे साथ हैं और मैं उनको treat दे रहा मेरे partner मेरे साथ है मैं उनको treat दे रहा हूँ ठीक है इस तरह से आपको लगेगा and all of a sudden it will happen ऑन अभी हम देख लेते हैं दे हेल्प ऑफ द क्यूब्स यहाँ से क्यूब से हम देखेंगे ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है आपकी लाइफ में ऑल ऑफ आ सडन आपकी लाइफ में क्या हो सकता है यहाँ पे मुझे इस तरह से देखो इमारत यार यहाँ पे भी इमारत है देखो यहाँ पे है टावर सो ऑबियसली शॉकिंग जब चीज़ें होते हैं हो सकता है न्यूज़ वाला कुछ शॉकिंग ही हो बट वो हमें एक इवेंट तक ठीक है कुछ इवेंट्स है जो अनफोल्ड होने से ही अच्छा है कुछ लोग डेफिनेटली मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर ऑथोरिटेटिव या कमांडिंग ठीक है कुछ कर सकते हैं लेकिन आप उनसे डील कर लेंगे आप रिलैक्स फील करेंगे धीरे धीरे ब्लॉसमिंग अबेंडेंस ये तो आ ही रहा है एंड स्पेशली यू आर गोइंग टू ये कह से बिल स्टेबिलिटी जो इनसिक्योरिटी था वो इनसिक्योरिटी नहीं रहेगा जो डीपर लेवल पर आप कमिटमेंट चाहते थे वो होगा जो और सिक्योरिटी आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिलेगा आपको एंड अलोंग विद दैट द फाइनेंशियल क्राइसिस विल बी ओवर बट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम ठीक है उस तरह से मुझे दिख रहा है एंड जो एक्शन जो लिया जा रहा था वो नहीं लिया जा रहा था सो डेफिनेटली एक्शन तो लिया जाएगा लेकिन किस तरह के एक्शन वो है कि अगर आपको ऐसा लगता था कि जो गुनहगार है उसको पनिशमेंट्स मिल ही नहीं रहे हैं इट विल डेफिनेटली हैपन ठीक है सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग गाईज आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी लव योर लॉट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाई